इसमें क्या है, इसमें क्या रखा है? नाइसा, ये मेरा चश्मा बन के रेडी हो गया है। ये आपका चश्मा आ गया? हाँ, और अब मैं इसको पहनने वाली हूँ और देखते हैं कैसा लगता है। पहनो। आपने भी नहीं देखा था ना, अब आप भी देख लो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और फ्रेंड्स, आज टियाना भी स्कूल नहीं गई है। और देखो फ्रेंड्स, टियाना को भी आज रात से फीवर हो गया है। वही बात होती है ना फ्रेंड, एक घर में कोई बीमार होता है तो दूसरा तीसरा ऐसे ही नंबर लग जाता है। ऐसे ही अब हमारे घर में नंबर लग गया है। अभी नायसा बीमार पड़ी है, अभी भी देखो ये खांसी कर रही है। फीवर इसका पहले कल से थोड़ा बेटर है, कम है। आज 99.9 था फ्रेंड्स इसको, और पर गले में खराश बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं इसको चाय भी दे रही हूँ और इसको नमक गरम पानी और नमक डाल के गरारे कर रही है ये, और गरम पानी भी रेगुलर टू रेगुलर पी रही है। और आज सुबह से ही देखो टियाना के भी फीवर हो गया है। जब मैं इसको स्कूल के लिए गई उठाने के लिए तो देखा इसकी पूरी बॉडी गर्म थी। तो मैंने सोचा भाई अब प्ले स्कूल है, कोई बात नहीं, छुट्टी करा देती हूँ, क्योंकि भाई स्कूल में तो कोई केयर भी नहीं हो पाती अच्छे से। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई इसको घर ही रहने देती हूँ, आज छुट्टी करा देती हूँ और घर में ही इसका ट्रीटमेंट करूँगी। तो मैंने इसकी अभी दवाई मंगवा ली है, तो इसकी दवाई भी आ रही है अभी। और अब देखो ये थोड़ा रेस्ट कर रही है। बट वही है ना फ्रेंड्स, अगर बीमार हो जाते हैं बच्चे तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो दोनों चिड़चिड़ी हुई हुई है और टियाना तो बस रोई जा रही है। और अब मैंने इसको चुप करा के फ्रेंड नहला के उसको लिटा दिया है, ताकि बॉडी में जो हीट है वो थोड़ी कम हो जाएगी ठंडे पानी से। तो इसलिए अभी वो आराम कर रही है। तो चलो अभी चलते हैं फिर बच्चों के पास और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों। फ्रेंड्स, यहाँ पे टियाना लेटी हुई है और देखो फ्रेंड्स यहाँ पे नायसा लेटी हुई है। और नायसा बेटर? नहीं, कल से बेटर नहीं है। नहीं है क्यों? पहले अब फीवर तो कम है कल से। अब तो वो बेटा गले पे अटैक करता है क्योंकि वायरल चल रहा है ना। पहले गले पे अटैक करेगा, उसके बाद कोल्ड होता है। तो अब आपका परसों एग्जाम भी है मंडे को और उसकी तैयारी भी करनी है। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि तुम एंड टाइम पे बीमार हो गई, अब कैसे एग्जाम की तैयारी करेगी, समझ नहीं आ रहा मुझे। और अब चलो अब थोड़ा सा ना उठ के आप नाश्ता कर लिया, मेडिसिन ले ली, और अब आप नाश्ता कर वो सॉरी नहा लो। आप टियाना ऐसा नहा लोगे तो थोड़ी सी बॉडी रिकवर होगी और थोड़ी जो सुस्ती बन है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? देखो अब नायसा भी टियाना नहा ली। टियाना आप नहा लिए, कैसा लग रहा है आपको नहा के? अच्छा लग रहा है ना, है ना? क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है? कोई बात नहीं बेटा, फीवर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी देखो फीवर नहीं है इस टाइम आपको, अभी फीवर ठीक है, पर शक्ल हल्का सा है, बट शक्ल पूरी चेंज हो गई है फ्रेंड। देखो बीमार में ऐसी शक्ल हो जाती है। कोई बात नहीं, अभी मम्मा थोड़ी देर में मेडिसिन दे देगी आपको, और अभी तो आपको दे दी है, अभी धीरे उतर जाएगा, ठीक हो जाओगे, फिर थोड़ी देर में और दे देगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? मम्मा मैंने दवाई ले ली पूरी। पूरी ले ली ना? हाँ, तो अब थोड़ी देर बाद शाम को दूंगी अब आपको, ओके? अब आप रेस्ट करो, भागना दौड़ना नहीं है, नहीं तो थकान हो जाएगी आपको, ओके? गुड गर्ल है टियाना तो मेरी, वैसे ही बहुत अच्छा कहना मान लेती है, ठीक है? चलो नायसा गेट अप जल्दी से बेटा, नाना की तैयारी करो, जल्दी आ जाओ फटाफट। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए सरप्राइज है। देखो ये क्या आया मेरे लिए, मेरा चश्मा बन के रेडी होके आ गया है घर। और देखो फ्रेंड्स, मैं आप पहन के दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, और फ्रेंड्स कैसा लगता है मेरे फेस पे लगा के, प्लीज आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या मैं चश्मे में अच्छी लग रही हूँ या नहीं। तो चलो अभी पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है फ्रेंड्स। मैंने हिम्मत करके, आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा मेरे को कितना जुकाम हो रहा है, और अभी मैं हिम्मत करके उठी हूँ और मम्मा से मैंने देखा तो मम्मा के हाथ में एक चश्मा था, पता नहीं क्या हो गया मम्मा को। हाथ में ये चश्मा क्या है, इसमें क्या रखा है? नायसा, ये मेरा चश्मा बन के रेडी हो गया है। ये आपका चश्मा आ गया? हाँ, और अब मैं इसको पहनने वाली हूँ और देखते हैं कैसा लगता है। पहनो। आपने भी नहीं देखा था ना, आप भी देख लो। OMG, कैसी लग रही हो? देखो उधर मिरर में। ओह माय गॉड, अब मुझे ये लगा के रखना है। और फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है चश्मा लगाने की, इवन मुझे ऐसा लगता है कि चश्मा लगाने से और धुंधला दिखता है, बट अब लगाने के बाद तो ठीक ही लग रहा है। वैसे मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन बीच बीच में जो सर में दर्द हो जाता है ना, जब प्रॉब्लम होती है। और जो सर दर्द हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि वो हल्की सी मेरी आईज वीक है, क्योंकि फोन पे काम करती हूँ मोस्टली, क्योंकि मेरा सारा मोस्टली काम देखो फ्रेंड्स, शॉर्ट्स बनानी होती है, रील बनानी होती है, और साथ ही साथ व्लॉग बनाना होता है, व्लॉग की एडिटिंग करनी होती है। और फ्रेंड्स आपको पता नहीं है, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, एक डेढ़ घंटा लग जाता है।
और मतलब इन सारी चीजों में लेके फोन में ही करती हूँ, मैं लैपटॉप से तो करती नहीं हूँ। और अभी मेरे पास फोन ही अवेलेबल है, लैपटॉप है, पर लैपटॉप से मुझे इतनी तरीके से आता नहीं है, तो इसलिए मैं फोन से ही प्रेफर करती हूँ। तो फोन के लिए अब मुझे ये हमेशा लगाना ही पड़ेगा। देखो नायसा को तो पता चल गया, टियाना को नहीं पता। चलो अभी चलते हैं टियाना के पास और देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहता है कि मैंने चश्मा लगाया, वो कैसे रिएक्ट करती है और क्या बोलती है। तो चलो अभी चलते हैं टियाना के पास, वो ड्राइंग रूम में बैठी है, तो चलो चलते हैं। टियाना टियाना, मम्मा को देखो, मम्मा के क्या हो गया? चश्मा क्यों लग गया बाबू? मम्मा की आईज वीक हो गई। आईज वीक हो गई आपको पता नहीं है? मम्मा क्या देखती रहती थी सबसे ज्यादा? हाँ, तो फोन देखने से क्या हो जाता है? तो मम्मा की क्या हो गई? अब मम्मा को ना ये हमेशा चश्मा पहन के रखना है। कैसी लग रही है मम्मा चश्मा पहन के? हाँ, मेरे को कंटिन्यू लगाना ही है अभी फिलहाल। आप बताओ, अच्छा लग रहा है? अच्छा, अब आप पर आप फोन मत देखना, देख लो वैसे चश्मा लग जाएगा फिर, ठीक है? नहीं देखोगे ना? मतलब देखना है फ्रेंड्स, पर लेकिन दूर से देखना है, मतलब मानेंगे नहीं हम अभी भी, है ना? सो फ्रेंड्स, बच्चों ने भी खा लिया है खाना और अब मैं भी खा लेती हूँ खाना। ये हेयर बैंड देखो मेरा कहाँ चला गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरा हेयर बैंड कहाँ से कहाँ चला गया। टियाना का हेयर बैंड लगा लिया फ्रेंड्स, देखो मैंने आज। फ्रेंड्स, दाल दोबारा वही दाल बनाई है मैंने दोबारा बच्चों के लिए, और रोटी। तो फ्रेंड्स खाते हैं अभी खाना। तो फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ टियाना को लेके डॉक्टर के पास। फ्रेंड्स टियाना के बहुत तेज फीवर हो गया है अचानक ही। सुबह मैंने इसको मेडिसिन भी दी थी लेकिन उससे आराम नहीं आया, तो अब मैं वही डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। बट नायसा की तबीयत कल से बेटर है फ्रेंड्स। एक बारी घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो बस नंबर लग जाता है, पहले ये पड़ी, ये आज थोड़ा ठीक हुई तो आज टियाना ने पकड़ लिया बस। और वो तो इतनी चिड़चिड़ी हो रही है क्योंकि छोटी भी है ना फ्रेंड्स, और इतना रो रही है, इतना रो रही है। डॉक्टर के पास जाने के लिए मना कर रही थी और अब जबरदस्ती लेके जा रही हूँ उसको बोल बोल के। तो अभी पापा के साथ वो निकल चुकी है, मैं और नायसा रह गए हैं। तो नायसा चले, तो चलो फ्रेंड्स। और फ्रेंड मेरा फीवर जो है ऑलमोस्ट उतर चुका है, बस इसको हल्का सा गले में जो खराश है वो बची है, और अब इसको कोल्ड भी हो गया क्योंकि खांसी होती है, कोल्ड होता है, फीवर होता है, ऐसे ही चलता है। चलो कोई नहीं, पर ये बेटर है पहले से, और अब तैयारी भी कर रही है एग्जाम की क्योंकि मंडे को एग्जाम भी है ना। तो चलो फ्रेंड चलते हैं आ गए क्लिनिक पर। बस अब हमारा नंबर ही है इसके बाद, खोलो ना। मैंने कहा इसकी वजह से हो रहा होगा, इस वजह से प्रॉब्लम, इसीलिए तो तुम्हारे डेंगू ट्रांसफर था। डेंगू घर में एक को तो दूसरे भी नहीं होता, तो बच्चा काटने से होगा, वायरल हो गया जो ड्रॉपलेट हम खांसी करते हैं तो हो जाता है। मैं तो इसको सुबह स्कूल के लिए उठा रही थी, अभी 102.2 है पेट में भी दर्द बता रही है हल्का, गले में भी हल्की सी खराश हो रही है। बड़े मैप्टर टीके टैबलेट अभी भी इसको ना 102.2 है फीवर। हाँ, अभी उसमें एक डिग्री जोड़, 102 से भी प्लस ही आया, 101.6 आया। ये तो ये कर दो इतनी स्कूल के लिए मैंने उठाया अंकल, इसमें ज़्यादा मतलब गर्म हो रही थी। फिर जल्दी से देखो, अभी चेकअप हो रहा है ना? मेरे पास तो राजेश आ जाएगी, खांसी नहीं है। अभी टियाना का गला चेक हो रहा है, छह बार करो, तंग बार करो, तंग बार। इसका गला इतना नहीं है जितनी छाती। गोलियां, टॉफियां, टेम्पे, लिमके, डिमके, आइसक्रीम, चॉकलेट कुछ नहीं। ठीक है, सुन लिया? स्माइल, चॉकलेट नहीं खानी है, ओके? छोटा सा मुंह हो गया इसके अंदर, इसके अंदर आ रहा है इसका मुंह को, ये रहा। तो छोटा सा बच्चा बीमार हो गया, हंसमुख बच्चा। फ्रेंड्स ये होती है ना, तो घर में रौनक रहती है, ये शाम तक आज रौनक ही नहीं है, छोटा बच्चा था ना। फ्रेंड्स आप सबको पता है कि मेरा कंटेंट ही यही है, इसी के साथ ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। अब ये बीमार है ना, मैं बना पा रही हूँ ढंग से कुछ, ना अच्छे से वो कर पा रही हूँ, सिर्फ इसी के पास बैठी हूँ। इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, कह रही है बस मम्मा मेरे पास बैठे रहो, मेरे पास बैठे रहो, तो मैं इसी के पास ही बैठी हूँ ना। चलो टियाना की मेडिसिन भी मिल गई, अब टियाना जल्दी से ठीक हो जाएगी, फटाफट खाते ओके। और मीठी मीठी दवाई दी है अंकल ने सारी, और मम्मा कड़वी भी नहीं लगेगी। मम्मा परसों तो शादी भी है,
देखते हैं, अभी हमारे घर में फ्रेंड्स एक फंक्शन आ रहा है, अब परसों जाना भी है, मंडे को नायसा का एग्जाम भी है, अब देखते हैं मैनेज कर पाएंगे या नहीं, वो तो अभी इसके ऊपर डिसाइड है कि ये ठीक होगी तो ही जा पाएंगे, अदरवाइज कैंसिल ही होगा। प्याना प्याना अभी रहने दे, वो चुड़चुड़ी अभी बात नहीं करेगी, कोई बात नहीं। प्याना शादी में जाना है, ऐसी मम्मा कुछ बोल देती है ना टियाना को, रहन देना ऐसा, टियाना टियाना अभी वो है चुड़चुड़ी है, वैसे तो नहीं करती वो, जैसे ही मम्मा बोलेंगी ना टियाना करने लग जाएगी, तो इसलिए मैं मम्मा को मना करती हूँ कि मत बोलो, नहीं इनको तो करना है ना मम्मा, छोटी है ना अभी बड़ी होगी तो, आप भी छोटे थे ऐसे ही करते थे ठीक है ना, आपको भी कोई बोलने टोकने वाला नहीं था उस टाइम। और अब तो टियाना, मैं आ चुकी हूँ घर और अभी मैं कर रही हूँ टियाना के लिए खाना रेडी, और आज मैंने दोबारा छिलके वाली दाल बनाई है, हरी मूंग वाली छिलके वाली, कल मैंने साबुत वाली बनाई थी, आज छिलके वाली बनाई है, और अभी फिलहाल क्योंकि उसको 102 बुखार हो रहा है फ्रेंड्स, और अभी मैंने पहले उसको दवाई देके फटाफट देखना है थोड़ी देर में कि इसको फीवर उतरता है या नहीं, नहीं तो मुझे उसके ऊपर पट्टी भी रखनी पड़ेगी अगर फीवर नहीं उतरा तो। सो फ्रेंड्स, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है और टियाना को भी मैंने बहुत मुश्किल से मेडिसिन खिलाई है, क्योंकि गोलियां भी दी थी उन्होंने ना डॉक्टर ने, तो मैंने उसमें चीनी मतलब डाल डाल के ऐसे करके खिलाई है, बट अब वो ठीक है, अब वो देखो आराम से बैठ के टीवी भी देख रही है यहाँ बैठ के। टियाना बाबू ठीक हो अब आप, फीवर ठीक लग रहा है अब, बेटर? देखो यहाँ टीवी चल रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ आराम से बैठी हुई है, देखो स्माइल भी कर रही है, स्माइल करके दिखाओ, अब ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसके काफी तेज बुखार था ना, 103 पहुंच गया था, अब जाके मैंने इसकी पूरा स्पॉन्ज किया है ना, तो अब बिल्कुल ठीक है फ्रेंड। बच्चों को खाना खिला दिया है, मेडिसिन भी दे दी है, और मेरा अब मैं खाना खा रही हूँ, रात के 11:30 बज रहे हैं फ्रेंड, अब मैं अपनी प्लेट लगा के लाई हूँ खाने के लिए, तो अभी खाना खाती हूँ मैं पहले। सो फ्रेंड्स, टियाना भी सो गई है और मेरा खाना भी हो चुका है, और फ्रेंड आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई, क्योंकि आज सारा दिन टियाना के पास बैठी रही, ना तो ढंग से ब्लॉगिंग कर पाई हूँ, क्योंकि आज टियाना की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैं उसी के साथ बैठी हुई थी फ्रेंड। अब वो, उसको फीवर बिल्कुल भी नहीं है, उतर गया है, क्योंकि मेडिसिन भी दे दी और मैंने पट्टी भी रख दी थी, तो अब बिल्कुल भी फीवर नहीं है और बहुत आराम से सो गई है। तो फ्रेंड इसी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फ्रेंड्स मैं भी यही कहना चाहूँगी एक बारी आप सबसे कि फ्रेंड्स आप भी अपने घर में अपने छोटे बच्चों का और अपना सबका ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है और डेंगू की भी बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं और टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसलिए ना तो ठंडी चीज़ें खाएं और ना ही बाहर की चीज़ें खाएं, अवॉइड करें बाहर की चीज़ें, और हमेशा जब भी बाहर जा रहे हैं पार्क वगैरह कोई भी बच्चा, तो हमेशा फुल कपड़े ही पहन के जाए पैरों से, ताकि बच्चों को कोई मच्छर वगैरह ना काटे, और अपने घर के आसपास कोई भी पानी इकट्ठा होना होने दे, क्योंकि फ्रेंड जो छोटे छोटे पानी इकट्ठा होता है उसी में मच्छर पनपते हैं, उसी से ही सारी बीमारियां आती हैं, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने घर में छोटे बच्चों का और अपना सभी का ध्यान रखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।